जो यहाँ पर वोट दिया जा रहा है वही यहाँ पे वीवीपैट की पर्ची में दिखता है। मतदाता को विश्वास हो जाए, कई बार कहते ना साहब बटन को दबाइए फलाक में और दब जा रहा है वोट फलाक पड़ जा रहा है, तो मतदाता को पता चले और ये पर्ची सुरक्षित रहती है। मतगणना के समय कोई डिस्प्यूट करने पर इसको काउंट किया। ये सर कितने सेकंड तक दिखाई देगा? 7 सेकंड। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव में पारदर्शिता, लोगों को जागरूक करने और ऐसे लोगों को ख़ास तौर से जागरूक करने और समझाने के लिए जिन लोगों के मन में वोट करते समय यह आशंका होती थी कि उन्होंने किसी और पार्टी को वोट दिया है और किसी और पार्टी की तरफ वो वोट चला गया, और ख़ास तौर से अभी हमने देखा पंजाब चुनाव की बात करें या बंगाल चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव की या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड चुनाव की, तो तमाम तरह के आरोप ऐसे लगे चुनाव आयोग पर जिसमें ये कहा गया कि ईवीएम गड़बड़ी थी, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक पहल की है। पहल किस तरह से की है आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में, और यहां पर एक ईवीएम मशीन को लगाया गया है, डेमो लगाया गया है। इसका मकसद यह है कि जब आप वोट करेंगे किसी भी पार्टी को तो आपको ये पता रहेगा कि किस तरह से और किस पार्टी को वोट किया। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा, अब मैं इसे ए यानी ए जो कैटेगरी है इसको पुश किया मैंने, तो अब ये जो मशीन है जागरूकता एवं प्रशिक्षण यहाँ पर ये डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, यानी आप मुतमईन हो जाएंगे पूरी तरह से कि आपने किस पार्टी को वोट दिया था और किस पार्टी को वोट नहीं दिया। मुरादाबाद में वोटरों को जागरूक करने के लिए मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से 3 इस तरह की मशीनें पूरे मुरादाबाद में घूमेंगी और जो वोटर हैं उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जाएगी कि आप जिस पार्टी को वोट देंगे उस पार्टी को वोट आपके डिस्प्ले पर यहाँ पर साफ तौर पर चमक जाएगा। तो मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से एक अच्छी पहल मानी जा रही है, वोटर जो है जो वोटर हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं और एक तरह से जो पारदर्शिता है वो भी सामने आ रही है। यहाँ पर जो जो लोगों को समझा रहे हैं ट्रेनर बतौर ट्रेनर बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? सर जाकिर हुसैन। जाकिर साहब किस तरह का डेमो है और ये बताइए क्या ये चुनाव आयोग ने पहली बार इस तरह की प्रक्रिया को किया है, इससे पहले भी करता है? इससे पहले भी किया था और अब इस बार बहुत बड़े बड़े स्केल पे कर रहे हैं सब। अभी इसमें खास क्या है? खास क्या है कि इसके अंदर वीवीपैट में लगाया हुआ है इसके साथ, और हर वोट पर भी लगेगी ये वीवीपैट। अभी क्या जो भी वोटर आएगा वो अपना वोट देगा तो वो अपना यहाँ से उसकी पर्ची वेरीफाई कर देगी कि हाँ मैंने जिनको वोट दिया है वही वोट इसके अंदर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। अभी लोग यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, हम लोग उन लोगों को समझा रहे हैं तो उससे वो संतुष्ट होकर जा रहे हैं, बोला हाँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहली बार इस तरह का जो ये मशीन है वीवीपैट कहलाया जाता है, इसमें जो आप मतदाता जहाँ भी पुश करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा सर? जी सर। किस तरीके से जो मतदाता आ रहा है, मतलब डेमो मतदाता जो आ रहा है जो इसका प्रशिक्षण ले रहा है, किस तरीके से जागरूक हो रहा है और कितना सेटिस्फाई है? 100% सेटिस्फाई है और लोग उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम लोग जो वोट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आज आपने यहाँ पर पहला दिन है, इसके बाद कितने दिन तक ये प्रशिक्षण अभियान चलेगा और कहाँ कहाँ चलेगा? अभी तो जो प्लान है ये सभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में किया है, बाकी सभी ब्लॉक स्तर पर पूरे ज़िले के अंदर किया जाएगा। पूरी टीम बनाई गई है मास्टर ट्रेनर की, वो मास्टर ट्रेनर सब जगह जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो समझ लेंगे ताकि वोट डालने जाए तो उन्हें कोई भी किसी तरह की परेशानी ना आए। कितनी मशीनें हैं जो? इसका तो आइडिया नहीं लेकिन सभी ब्लॉक स्तर पर हैं, मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं। कुल मिलाकर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, वीवीपैट लगाया गया है ताकि वोटर को ये पता रहे कि वो वोट किस पार्टी को दे रहा है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।